हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल समाचार आपके? सो आपका आप ही के यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो भी ऑलिव ऑयल के रिलेटेड ही है। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि ऑलिव ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। जो दूसरा हमारा जो ऑलिव ऑयल के ऊपर जो वीडियो था उसमें बताया गया कि ऑलिव ऑयल कितने तरीके के होते हैं और इसको कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज किया जाता है। तो जो आज का हमारा ऑलिव ऑयल के ऊपर का वीडियो है वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ऑलिव ऑयल आपके स्किन के ऊपर जो ओपन पोरस होता है, ओपन पोरस क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। ओपन पोरस को किस तरह से हम दूर करना चाहिए और ओपन पोरस से इश्यूज क्या क्या आपकी स्किन पर हो सकते हैं, तो उसके ऊपर आज का ये वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन पोरस। तो जब भी आपकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्किन के ऊपर जो छेद देखते हैं उसको कहा जाता है ओपन पोरस। और ओपन पोरस जो है पोरस जिसको हम स्किन पोरस बोलते हैं वो आपके पैर के तलवे से लेके आपकी हथेलियों पर भी ओपन पोरस होते हैं जो नेकेड आई से देखना बहुत मुश्किल होता है। तो ओपन पोरस का काम क्या होता है, पोरस का काम क्या होता है? स्किन पोरस आपकी बॉडी में से जितना भी स्वेट है वो निकालने में आपको मदद करता है। जब भी आप वर्कआउट करते हैं या जब भी आप काम करते हैं तो आपकी बॉडी में से जो पसीना जो स्वेट बाहर आता है ना वो उस पोरस में से बाहर आता है। जो पसीने के साथ साथ आपकी बॉडी की जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको भी निकालने में बहुत मदद करता है। सो जब भी आपकी बॉडी स्वेट बाहर निकालती है तो स्वेट के साथ साथ आपकी बॉडी नेचुरल ऑयल जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है जिसको हम सीबम बोलते हैं वो सीबम भी आपका बॉडी आपके स्वेट के साथ उसको बाहर निकालता है। अब ये बहुत नेचुरल फिनोमिना है, ये हर एक लोगों के साथ होता है कि आप कभी भी वर्क करेंगे या आप रूटीन में भी आपकी बॉडी टॉक्सिक मटेरियल को स्वेट के थ्रू बाहर निकालती है। लेकिन किसी किसी लोगों में ये जो अमाउंट है स्वेट निकलने का या सीबम निकलने का वो थोड़ा ज्यादा होता है। उस केस में क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर वो स्वेट या जो नेचुरल ऑयल जिसको हम सीबम बोलते हैं उसके ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं और अगर उसका उपाय सही से नहीं किया गया ना तो वो जो पोरस है जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखते वो धीरे 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 विजिबल होने लगते हैं और आपको कॉस्मेटिक इश्यूज क्रिएट करने लगते हैं। मतलब देखने में आपकी स्किन के ऊपर ऐसा लगेगा कि कुछ दाने जैसा हो गया है जो विजिबल काफी रहता है, मतलब आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेचुरल स्किन जो भी आपकी नेचुरल स्किन होती है दूसरे किसी की भी नेचुरल स्किन से। सो बेसिकली पोरस है वो पार्ट है बॉडी का, वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर रहता है जिसका काम है आपकी बॉडी में से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना। लेकिन जिसकी स्किन ज्यादा स्वेटी होती है उसको बाद में दिक्कत यह होती है कि धीरे 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 वो पोरस की साइज बड़ी होने लगती है। अब इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं स्किन पोरस अगर उसकी साइज बड़ी हो तो? आपको ब्लैक हेड्स के इश्यू हो सकते हैं, आपको वाइट हेड्स के इश्यू हो सकते हैं, आपको आपको जिसको हम झुर्रियाँ बोलते हैं जिसको रिंकल्स भी कहते हैं वो उसकी इश्यूज आपके हो सकते हैं। एक्ने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओपन पोरस का वो भी इसका एक पार्ट है। तो अगर आपके पास स्किन पोरस का इश्यू है मतलब अगर आपको ओपन पोरस है तो आपको एक्ने होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या हम जो ओपन पोरस है उसको बंद कर सकते हैं, उसकी साइज को रिड्यूस कर सकते हैं या उसको परमानेंट क्लोज कर सकते हैं? सो आपकी बॉडी के पोरस को परमानेंट बंद नहीं कर सकते और ना तो कोई इसका लॉजिकल रीजन है क्योंकि वही एक जगह है जहां से आपकी बॉडी में से स्वेट और नेचुरल सीबम बाहर निकलता है, आपकी बॉडी के टॉक्सिक लेवल को मेंटेन करके रखता है। सो नाउ अब हमको करना क्या चाहिए, ऑलिव ऑयल को हम किस तरह से यूज करें हमारी बॉडी के अंदर सो दैट जो ओपन पोरस है उसकी साइज को हम रिड्यूस कर सकें। हमारा एम ओपन पोरस की साइज को रिड्यूस करना है ना कि पोरस को परमानेंटली क्लोज करना क्योंकि वो टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है। सो मैं आपको उपाय बताता हूँ, मैं आपको एक वे बताता हूँ जिसको यूज करके आप आपके ओपन पोरस की साइज को कम कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको कम से 2 से 3 चम्मच आपको शुगर लेना है। उस शुगर के अंदर आपको 2 से 3 चम्मच आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है। अब ऑलिव ऑयल मैंने बताया था कि 4 तरीके का होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन भी होता है, प्योर भी होता है, एक्स्ट्रा लाइट भी होता है, पोमास होता है। लेकिन हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। उसके अंदर हमको आधा लेमन का जूस ऐड करना है। तो हमको 3 चीज़ें यूज़ करनी है, सबसे पहले हमको लेना है 2 से 3 चम्मच शुगर, उतनी ही क्वांटिटी में हमको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है और उसके बाद हमको उसमें डालना है आधा नींबू। इसका हमको पेस्ट बनाना है। अब पेस्ट जो है वो न तो ज़्यादा थिक होना चाहिए न तो ज़्यादा थिन होना चाहिए। उस पेस्ट को बना के आपको आपके स्किन के ऊपर यूनिफॉर्मली 5 से 7 मिनट तक उसको रब करना है।
मतलब अगर आप चेहरे पे ले रहे हैं तो आपको चेहरे के ऊपर इसको 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करना है, उसको रहने देना है और बाद में उसको ल्यूकवार्म वाटर से मतलब हल्के गर्म गुनगुने पानी से उसको धो देना है। अब ऑलिव ऑयल करता क्या है, ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट ऑयल माना जाता है जिसके अंदर आपको सारे विटामिन मिलते हैं, जिसमें आपको विटामिन ए डी ई और के चारों तरह के आपको विटामिन मिलते हैं। ये मिनरल से रिच है, इसका जो डेंसिटी होता है ऑयल का वो डेंसिटी थिक होता है, सो दैट जब भी आप उसकी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो स्किन के ऊपर टाइमिंग रहता है, दूसरे ऑयल की तरह ये तुरंत स्प्रेड नहीं हो जाता, तुरंत निकल नहीं जाता है। सो ओवर द पीरियड अगर आप इसको 3-4-5 महीने यूज़ करते हैं वीक में 2 से 3 बार तो ये आपके जो ओपन पोरस है उसको धीरे 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 रिड्यूस करने में आपको मदद करता है। सो बेसिकली ये 3 इंग्रेडिएंट, जहाँ पे आपको शुगर लेना है, आपको 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है एक्स्ट्रा वर्जिन, और आपको नींबू लेना है, इससे आपकी आपको मसाज करना है आपके स्किन के ऊपर, तो धीरे धीरे आपके जो पोरस हैं वो नॉर्मल साइज में आ जाएंगे, जहाँ से आपको वो नेकेड ऐसे दिखना बंद हो जाएगा। सो आई होप ये जो वीडियो था ओपन पोरस के ऊपर ये आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंटेंट ढूंढते हैं, कंटेंट ढूंढ के आपके तक लाने में थोड़ी मेहनत लगती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह से प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा और कुछ नया लेके आपके सामने जल्द आ जाऊंगा। थैंक्स अ लॉट।